तो मिल गया इनके बचपन का दोस्त साथी। फीडिंग और फीडिंग पिलो, ये दो ही चीज़ इनको पसंद है और ये उसी के चक्कर में है। तो मैंने ना बच्चों के कपड़े कुछ इस तरीके से पैकेट्स में अलग अलग डिवाइड करके बांध दिए थे और फिर इससे सील करवा दिया था, इससे रैप करवा दिया था पूरा चारों तरफ से, ये करके मैंने रखा था ये सब कुछ रैप अप करके। देन उसके बाद उन्होंने पैक करके दिया मुझे, इस तरह के बॉक्सेस में सब डाल के दिए। जैसे ये भी मैंने पैक कर दिया, अब इसके अंदर भी बहुत कुछ है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल अगर आप पैक कर लेते हो ना पैकिंग एंड शिफ्टिंग के टाइम पे, तो पता बहुत टाइम भी सेव होता है, एफर्ट्स भी सेव होते हैं। एफर्ट इसलिए सेव होते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें गंदी नहीं होती हैं। आप कितना भी करो, कितना भी ज़्यादा हाई पे करो, लेकिन चीज़ें गंदी होती हैं, डर्टी हो ही जाती, कपड़े ख़राब हो ही जाते, इतने गंदे कपड़े हो जाते हैं ना कि बस पूछो मत। और इसलिए ये सब मेरा एक्सपीरियंस है जो अब मैं फॉलो कर रही हूँ। सो मैंने हर एक चीज़ को इस तरीके से रैप करवाया था, पैक करवाया था। ये देख लो आप, इस तरीके से पैक करवाया था। ये सब मैंने खुद पैक कर लिया था पहले से, सिर्फ उन्होंने बॉक्सेस में डाला है इस तरह के। और बाकी तो उधर आप देख ही रहे हो, तो छोटी छोटी कई सारी चीज़ें थी तो मैंने खुद पैक करी हैं अपने हाथ से। उनमें से एक ये भी है, काफ़ी कुछ तो मैंने खोल लिया। ये भी देखो, मैंने इसे भी खुद से ही रिमूव करके पैक करके पहले से रख दिया था। ऐसा बहुत कुछ है, अभी तो काफ़ी कुछ ओपन कर लिया है। सो इस तरीके से आप भी आपका जो एफर्ट है, टाइम है, वो सेव कर पाओगे। जब आप शिफ्ट हो जाते हो ना, उसके बाद जब ये अनबॉक्सिंग करते हो ना, चीज़ें इतनी गंदी होती हैं, फिर एक एक चीज़ को वॉश करना, ड्राई करके रखना, स्पेशली बच्चों की चीज़ें यार इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके पहले जब मेरी शिफ्टिंग वगैरह हुई तो अनिका वॉज वेरी यंग, और तो उसकी कुछ चीज़ें मैंने पैक कर ली थी एंड रेस्ट इतना इशू नहीं था। टॉयज वगैरह मैंने छोड़ दिए थे, टॉयज की हालत पे देखी मैंने, यार ये तो हाथ लगाने लायक भी नहीं बच्चे हैं। इस बार अभी चीकू के भी टॉयज, अनिका के भी टॉयज हैं, तो मैंने इन सारे टॉयज को सेपरेट छोटे छोटे से जो पैकिंग वाले पाउचेज होते हैं ना, यहाँ पे कुछ है भी नहीं तो मैं आपको दिखाती थी। सो उसमें मैंने इंडिविजुअल एक एक चीज़ को पैक किया, लाइक छोटे टॉयज, बड़े टॉयज, ऐसे अलग करके पजल्स और ये सब जो भी थे दोनों बच्चों के, एकदम अलग अलग। बुक्स को भी मैंने खुद पैक किया और सील कर दिया, और ऊपर से मार्कर से नेमिंग कर दी, यानी टैग कर दिया कि कौन सा सामान मैंने किस में रखा है नंबर वाइज, जिससे कि मेरी मेमोरी में भी रहे ये चीज़ और बाद में मैं भूल नहीं जाऊँ। पैक तो कर दिया भाई, भूल गया अब क्या। सो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है इस बार मैंने काफ़ी अपने एफर्ट्स को सेव कर लिया, नहीं तो अकेले बच्चों के साथ में क्लीनिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती। और अभी तो लाइक मेड तो मिल गई है नॉर्मल झाड़ू पोछा एंड बर्तन के लिए, लेकिन ये फुल टाइम वाली मेड का फिर चक्कर हो गया यार। यहाँ पर इतना दूर है घर और यहाँ पर क्या है यार लाइफ में ना, ये मेड की कहानी नहीं खत्म हो रही है। एनीवेज ये जो डिसीजन था घर चेंज करने का, दिस इज ऑल अबाउट ऑल बिकॉज आर किड्स, बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक का स्कूल, दूसरे का सोशल एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नेचर भी बच्चों को चाहिए होता, पार्क ले जाना, बाहर ले जाना, ग्रीनरी देखनी होती, बहुत सारी चीज़ें होती है जो सिटी के बीच में रह करके नहीं कर सकते। हमारे साथ प्लस पॉइंट है कि हम क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट में थे तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा खुद का फ्लैट होता तो शायद हम ये चीज़ कर नहीं पाते। तो जब हमारे पास चांस है तो हम क्यों उस चांस को मिस कर रहे हैं, मैं तो यही सोचती रह गई। और 5 साल बीत गया, निकाह बड़ी हो गई, उस इस तरीके का एनवायरमेंट मैं दे नहीं पाई। लकीली अब उसका स्कूल के बहाने हमें एक चांस मिला कि चेंज करो अपनी जगह और बच्चों को दो एक अच्छा हेल्दी और ब्रीदेबल एटमोसफियर। मौसम अच्छा है यहाँ पर, बाहर धूप निकली हुई। कल तो इस समय धड़ बारिश हो रही थी, बादल ऐसे गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, और क्या बताएं यार इतना ज़्यादा बढ़िया वाला मौसम हो गया था। मतलब कपड़ा अगर सुखाना नहीं होता ना तो बाकी सारा चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कल। हे आप क्या कर रहे हो? मैं तो बस पैकिंग गोइंग ऑन। आप लोग मेरा हाउस टूर काफ़ी महीनों से मांग रहे हो, तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं वहाँ का हाउस टूर क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतना मैसी इसीलिए था क्योंकि कोई ना कोई चीज़ें चली रही थी माइंड में, क्या करना है कैसे करना है। तो बच्चों के साथ में हो भी नहीं पाता है अरेंजमेंट, अब उसमें मैं आपको क्या दिखाऊँ, तो वो तो जो दिखाने लायक था वो मैंने दिखाई दिया था। अपने मैसी और फैला हुआ घर मेरे हर एक ब्लॉग में देखा ही हुआ, उससे ज़्यादा टूर में क्या करूँ। यहाँ का टूर भी मैं क्या करूँ एक रफली दिखाती हूँ, आप मेरे साथ पीछे पीछे देखते चलना। सो ये एक रूम है जहाँ पर मेरे बच्चों के लिए मैं एक्सेसरीज वगैरह रखने वाली हूँ, ये कैबिनेट भी यहाँ पर दी हुई है। सो टॉयज़ एंड गेम्स वगैरह रखेंगे हम यहाँ पर। और ये है किचन, सो किचन भी पूरा अच्छे से सेट करके मैं आपको दिखाऊँगी। देन उसके बाद ये है लिविंग रूम, यहाँ पर एक बालकनी दी हुई है, वहाँ से एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर हमारी टीवी है, ये रहा हमारा सोफ़ा, सिंगल सीटर वाला हमने घर भेज दिया, टेबल हमने सेल कर दी, ड्रेसर हमने सेल कर दिया। और रूम काफ़ी अनिका सिंह हाय टू ऑल ऑफ यू, सी हाय 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 हाय। सो अभी सब कुछ अरेंज करना है, यहाँ पर भी पूरा अरेंज करना है। मेरी स्वे चेयर है जो कि टूट गई है, ये देखो यहाँ से पूरा ये टूट गया, तो अब ये पूरा सा लेग रिप्लेस होगा। तो ये क्लेम में है, कंपनी वाले तो पल्ला झाड़ने पे लगे हुए हैं, उनका कहना है कि जोड़ खुल गया, जोड़ खुल गया, बट एक्चुअली जोड़ नहीं खुला है, उन्होंने तोड़ दिया है दोनों तरफ से। मैं यहाँ पे फ़ोटो वीडियो अटैच करूँगी। इसके बाद ये मेरा रूम का दूसरा हिस्सा जिसमें मेरा बेडरूम है, अभी तो जस्ट सामान आया हुआ है तो कुछ भी कहीं सेट नहीं दिखेगा। मैं कुछ दिन के बाद अच्छे से सेट करके आपको सब कुछ दिखाऊँगी। ये वॉशरूम कॉमन वाला, ये हमारा बेडरूम है, ये अनिका का रूम होगा ये वाला। सो आप देख सकते हैं कि हमारे रूम के जो कर्टन थे वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। वो है उसका माइलस्टोन बोर्ड, ये है उसकी कैबिनेट। हमारी कैबिनेट हमने इसीलिए, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने हमारी कैबिनेट क्यों भेज दी घर, बिकॉज यहाँ पर कैबिनेट्स हैं अच्छी हालत में और अच्छी हैं। सो ये रहेगा उनका बेड और इसे ही मतलब गेस्ट रूम भी यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बेडरूम जहाँ पर चिकू सोई हुई है। सो ये है मेरा बेडरूम, यहाँ चिकू सोई हुई है। इस समय तो जो क्रीप हमने यहाँ पर प्लेस किया, बिकॉज ना तो इधर जगह है ना तो उधर जगह है, तो हमने सामने प्लेस कर दिया है। तो अभी वो सो नहीं पा रही है, अभी हम चारों उसी बेड पे सो रहे हैं समवेयर, मतलब किस तरीके से एडजस्ट करके। और यहाँ पर भी एक कबर्ड है, फिर एक यहाँ पर भी कबर्ड है। तो मैंने इस बार अपनी कबर्ड ही सेपरेट कर ली, मैं मेरा सेपरेट आपका सेपरेट। और इधर से भी एक बालकनी है। सो बालकनी तो यहाँ पर हमने ये कपड़े सुखाए हुए हैं, हमारे कपड़े सुखाने का बड़ा चक्कर है। बाहर अब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट पूरा ओपन है बाहर, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में अच्छे से, फिर दिखाती हूँ। अभी मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और इधर हमारा है वॉशरूम इस साइड पर, तो ये वॉशरूम है, सब दिखाऊंगी बाद में अच्छे से, ऊपर अच्छे सब सेट हो जाता है। तो मैं भी मेरा थोड़ा सा घर ऑर्गेनाइज कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सब कुछ। सो ये है बालकनी से बाहर का व्यू, सो मच ग्रीनरी आउट देयर यार, ओह माय गॉड। वो वहाँ पर मेट्रो का फ्लाईओवर है, उसके पीछे रेलवे स्टेशन है, वो वहाँ पर वो रेलवे स्टेशन है। और ये है पूरी ग्रीनरी, दूर दूर तक ग्रीनरी ही दिखेगी आपको इधर से। तो बेडरूम की बालकनी से कुछ ऐसा दिखता है। बालकनी अभी सेट नहीं हुई है, अभी भी आप देख सकते हैं सब मेसी है, सब सामान रखा हुआ है, फैला हुआ है सब कुछ। बालकनी भी मैं रेडी करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखो मेरी बेडिंग यहाँ पर अब भी मैंने निकाली है, खाली के बॉक्सेस और यहाँ पे फेंक दिया मैंने। सो किचन में भी अभी कुछ भी नहीं सेट किया है, सब सेट करूँगी तो आपको बताऊँगी। सिर्फ ये एक सेक्शन है क्रॉकरी वाला जो मैंने सेट कर लिया था, तो ये बस सेट किया है। अभी नीचे यहाँ वहाँ एवरीवेयर सब कुछ सेट करना है, तो दिखाती हूँ। ये देखो ये कर्टन मेरे वहाँ के लिविंग रूम के कर्टन थे, जो कि यहाँ पर काफ़ी बड़े, इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मेरे कुछ पौधे हैं जो मैं वहाँ से उठा करके लेकर के आई यहाँ पर। ये है मेन बालकनी से बाहर का नज़ारा। सो इधर होता है सनसेट, बिल्कुल सामने सनसेट होता है। कभी बहुत अच्छा माहौल होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी सनसेट। सामने पार्क है, पूल है, कम्युनिटी सेंटर है, एंड एवरीथिंग वी नीड। किचन में इधर पीछे सर्विस एरिया है, मतलब डिश वॉश करने के लिए वहाँ पर एक सेपरेट छोटी सी बालकनी है, मुझे क्या दिखाना। तो ये जो बॉक्सेस हैं ना उधर वाले, उनको अनबॉक्स करने जा रही हूँ। मुझे कपड़े सुखाने की क्लिप चाहिए, इतनी अच्छी धूप निकली, मेरे कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं यार। गाइस, सो हम आए थे अभी नीचे फंक्शन के लिए। जन्माष्टमी का फंक्शन था और यहाँ हमारी सोसाइटी में हमारा ये पहला फंक्शन था। चीकू सो रही थी बट अभी वो उठ गई, मतलब आरती के टाइम पे चीकू उठ गई। वाई हुआ सो सैड, शॉक। और से मैं फ़ोन लेके स्टार्ट करती हूँ। नन्नू वेट, डोंट रन। जा रहे हैं हम ऊपर, चलो ऊपर चले। ये वाला कुर्ता बहुत टाइट था पर ये मुझे आ गया, आज मैंने ट्राई किया। मतलब स्टिल स्लीव थोड़ी सी टाइट है बट रेस्ट आ गया। हमने आरती भी कर ली, हमने कुमकुम भी लगाया, हमने भगवान जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, मज़े किए, है ना। नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपेयर होते हैं। बाय बाय। खुशी ने अपने बचपन का कपड़ा पहन लिया। थैंक यू। अनिका का ये टॉप खराब हो गया, नहीं तो उसको भी ये वाला पहना देती, मैचिंग हो जाता था। विनिंग आउटफिट। हेलो हेलो मिली मोटो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के बीच का टाइम है। सो अभी मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और नए किचन में नई जगह एंड नए जगह पे रखा है फ़ोन। यहाँ कोई ट्राइपॉड नहीं है, वहाँ पे भी जुगाड़ से काम होता था, यहाँ पे भी जुगाड़ से काम हो रहा है। तो मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। मैंने बना दी दाल चावल। आज मैंने मॉर्निंग में नहीं बनाया बिकॉज आज जन्माष्टमी है। ये सर जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सो सुनने की आवाज़ से आपको शायद मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। चीकू उठ गई, आ जाओ, आओ मेरा बेटा, ना मेरा बच्चा, ना 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 ना। चीकू है और मैं सब्जी कैसे बनाऊँ ये बताओ। सो अभी कुछ भी सेट नहीं हुआ है घर, मैंने आपको अपडेट दे ही दी है। जब सेट होगा तब दिखाऊंगी। आज भी यहाँ पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, कल भी था, आज भी है। इस सोसाइटी में हमारा ये पहला फेस्टिवल है एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि आने वाले दिनों में और बहुत कुछ होने वाला है। अमेजिंग, मतलब पहली बार, मतलब आने के बाद पहली बार मुझे आज अच्छा, मतलब कल अच्छा फील हो रहा था कि कुछ तो हैपनिंग हो रहा है, कुछ तो हैपनिंग हो रहा है। और चीकू मेरे गोद से बिल्कुल नहीं उतर रही है, यहाँ आने के बाद एकदम फंसी हो रही है, मार रही है मुझे। चलो बाय। मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ इनके पास में। वहाँ रखी हुई हाइचर, लेकिन इनका हाइचर से कोई रिश्ता नहीं है। ये खा रही हैं यहाँ पे खाना और इनका खाना खाने का आजकल एकदम अलग तरीका हो गया है। बड़ी प्लेट में खाना चाहिए होता है इनको और सब मिलाना होता है। खा लो खा लो खा लो। वहाँ से जब हम शिफ्ट हुए तो एकदम से वॉशिंग मशीन इंस्टॉल नहीं हो पाई यहाँ पर और बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए 2 से 3 दिन के अंदर ही। भाई 2 दिन तो मैंने वॉश कर दिया, हैंड वॉश कर दी, लेकिन बैंड बजती है बच्चों के साथ में, घर मैनेज करना और कपड़े वॉश करना, वो भी हाथ से। हे भगवान, मैं से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर इकट्ठा हो गए थे कपड़े। अभी ये जो कपड़े हैं इनको फोल्ड करना है, सूखते भी बड़ी देर से हैं। जो हाथ से धोए हुए कपड़े होते हैं ना, बड़ा टाइम लगता है उनको सुखाने में। ये हमारी प्यारी राधा जी, अनिका मेरा बच्चा, अच्छा अच्छा लग रहा है। हाय हाउ आर यू, लवली, थैंक यू। तो आज हमारे किचन में बन रहा है राजमा और ज़ीरा राइस। तो मैंने सोचा बड़े दिन से राजमा नहीं बना है या छोले नहीं बने, आज चलो बनाते हैं। एंड लकीली सारी चीज़ें ऑन टाइम प्रिपेयर हो गई, जो कि हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मुझे टाइम नहीं मिलता है करने का, मैं कर नहीं पाती हूँ। आजकल मॉर्निंग में टिफ़िन भी रेडी हो जाती है, लंच भी रेडी हो जाता है, दोनों लोग टाइम से चले भी जाते हैं और मैं भी अच्छे से खा पी पाती हूँ। टाइम आ गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ अब सही हो रही है, मतलब ठीक ठाक चल रही है और मैं अब अपने काम पे फोकस कर पाऊँगी। एंड सडनली ये मोमेंट आया शिफ्टिंग का, अचानक ही प्लान बना, अचानक ही सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई और फिर डिसीज़न ले लिया तो ले लिया। और अब यहाँ पर लाइक हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। तो बस अपने बच्चे को प्यार करती हूँ, खेलती हूँ और उसके साथ ही दिन बीत रहा है और उसके साथ ही प्लानिंग कर रही हूँ कि शायद यहाँ पर अब सब सही कर सकूँ। अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये वाली जो बैल्कनी है इसका एंट्रेंस, और यहाँ बैल्कनी में ये जो देख रहे हो ना आप, ये थोड़ा सा डेंजरस है अभी चिकू के लिए। एज अगर थोड़ा अभी गेट खुला रह गया तो ये तो मैडम भाग के आती हैं बाहर और आकर के यहाँ पे पकड़ के खड़ी हो जाती हैं और देखती हैं। सो कुछ करते हैं यहाँ का, लाइक इस जगह का। हाँ, हमने सेफ्टी गेट ऑर्डर तो किया था। सो यहाँ फिट होता है, यानी देखते बनने जो हमारा पहले वाला फ्लैट था वहाँ के लिए हमने ऑर्डर किया था, लेकिन सडनली हमें शिफ्ट होना हो गया तो वहाँ तो इंस्टॉल हो नहीं पाया। अब देखते हैं यहाँ पर होता है। ये मेरे छोटे छोटे से प्लान्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से बेबी प्लान्स हैं मेरे। एक बेबी मेरे हाथ में, एक बेबी प्लान्स यहाँ पर। प्यारी धूप आ रही है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल एरिया है ये। हाई फाई